और उससे प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक, एक रिएक्टेंट है उससे प्रोडक्ट बन रहा है। अब कई केसेस में आप देखोगे कि ये जो रिएक्शन है कंप्लीट नहीं होगी, है ना, कई बार ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी, बल्कि ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जहां पे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बराबर होते हैं, तो उस तरह के मिक्सचर को हम लोग इक्विलिब्रियम मिक्सचर बोलते हैं। अब उसमें केस क्या होता है कि मान लो जितना उसका रिएक्टेंट का रेट है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, जितना वो प्रोडक्ट बना रहा है उतना ही उसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उतने ही प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है, ठीक। तो जितना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है उतना ही प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है। तो हम लोग को जब ऑब्जर्व करेंगे तो हम लोग को लगेगा कि यहाँ कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, ठीक, मतलब दोनों में कोई चेंजेस नहीं हो रही, जितना रिएक्टेंट है जितना प्रोडक्ट है आराम से है, पर एक्चुअल में वहां पे वो रिएक्शन हो रही होती है। तो उस तरह की कंडीशन को बोलेंगे जब दोनों का रेट सेम हो जाएगा, ठीक, अपोजिट जो रिएक्शन है दोनों का रेट सेम हो जाएगा, तो उस तरह की कंडीशन को इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अब ये तो हो गई केमिकल प्रोसेस, लेकिन इक्विलिब्रियम का जो प्रोसेस होता है वो फिजिकल प्रोसेस पे भी अप्लाई होता है, ठीक। तो इक्विलिब्रियम के जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या है, इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ अ प्रोसेस इन विच द properties like temperature and pressure and concentration of the or amount of solution is or doesn't change with the passage of time. समय बीतता जा रहा है लेकिन ये जो जितनी properties हैं temperature, pressure या amount of solution वो change ना हो, उस तरह की condition को, उस तरह के उस state को, उस particular जो process होगा उसे equilibrium बोलेंगे कि वो process equilibrium में है, ठीक। अब इक्विलिब्रियम जैसे मैंने बताया कि वो दोनों तरीके का हो सकता है, वो फिजिकल भी हो सकता है एंड केमिकल प्रोसेस भी हो सकता है। तो उसी के आधार पे अगर वो फिजिकल प्रोसेस है तो वो फिजिकल इक्विलिब्रियम कहलाएगा, केमिकल प्रोसेस है तो केमिकल इक्विलिब्रियम कहलाएगा, ठीक। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि वो दोनों तरीके का होता है, जरूरी नहीं है कि वो किसी एक पे ही अप्लाई हो। अब जैसे फिजिकल में जो प्रोसेस है फिजिकल इक्विलिब्रियम है वो नंबर ऑफ आप अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व कर सकते हो, तो इसके कुछ टाइप्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, इसके बेसिक कुछ एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, वो क्या है। पहला जो है दैट इज सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। अब इसका जो कॉमन एग्जांपल है आप डेली लाइफ में देखते हो कि मेल्टिंग ऑफ आइस। मान लो अभी हमारा टेम्परेचर -27 डिग्री सेल्सियस है, ठीक, मान लो, एंड इस टेम्परेचर पे वॉटर को आइस में कन्वर्ट होने में या फ्रीज होने में ऑलमोस्ट 1 मिनट का टाइम लग रहा है, 1 मिनट लग रहा है, ठीक। अब इसी टेम्परेचर को अगर हम लोग -10 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, मान लो टेम्परेचर, अब इसी को उतने ही वाटर को फ्रीज होने में 5 मिनट लग रहे हैं, मान लो, ठीक, 5 मिनट्स लग रहे हैं। अब टेम्परेचर हमने और ज्यादा बढ़ा दिया, -1 डिग्री सेल्सियस कर दिया, ठीक, तो क्या होगा, उतने ही पानी को फ्रीज होने में 10 मिनट लग रहे हैं, ठीक। अब ऐसे ही अगर हम लोग मान लो यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस है प्लस का 10 डिग्री सेल्सियस है तो क्या होगा, बर्फ को पिघलने में कुछ टाइम लगेगा, ठीक, मान लो 5 मिनट लग रहा है। तो अब लेकिन बीच में एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जहां पे जितनी पानी बर्फ बन रहा होगा उतना ही बर्फ पानी बन रहा होगा, ठीक। वो टेम्परेचर क्या होता है, वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर एटमोस्फेरिक प्रेशर में देखा जाए तो क्या होता है, जितनी हमारा पानी फ्रीज होके बर्फ बन रहा होता है उतना ही बर्फ पानी बनता है मेल्ट होके, ठीक। तो उस तरह के उस स्टेट को, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उस स्टेट को बोलेंगे कि ये इक्विलिब्रियम प्रोसेस है, क्योंकि हम लोग को एक्चुअल में जब ऑब्जर्व करोगे तो जितनी बर्फ रखी है जितना पानी रखा है वो उतना ही रहेगा, ठीक, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एंड एटमोस्फेरिक प्रेशर पे। तो ये इसका एक एग्जाम्पल था, सॉलिड इक्विलिब्रियम का बहुत कॉमन एग्जाम्पल था। इसके बाद बात करते हैं लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम की। अब लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम भी क्या होता है, उसका एक एग्जांपल जो आपको याद रखना है वो क्या है, क्या है, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, इवेपोरेशन ऑफ वाटर इन क्लोज वेसल। मान लो हमारे पास एक क्लोज वेसल है, इट शुड बी अ क्लोज वेसल। अगर ओपन है तो क्या होगा, जितना आप मान लो
आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो, यहाँ पे आपका कुछ लिक्विड रखा है, अब वो वेपर बन रहा है, ठीक, वेपर बन रहा है, और वेपर बन के वो कंडेंस भी हो रहा है, ठीक, कंडेंस होके वहीं पे आ रहा है। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या होगा, मान लो जब टेम्परेचर आप कॉन्स्टेंट कर दोगे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, जितना वो पानी वेपोरेट हो रहा होगा उतना ही वो कंडेंस हो रहा होगा। तो जब दोनों के रेट सेम हो जाएंगे तो आपके पास वेपर एंड लिक्विड दोनों अपने सेम अमाउंट पे रहेंगे जब तक तो वो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट बना रहेगा। तो इस तरह कह सकते हैं कि वो स्टेट क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम में हो जाएगी। इक्विलिब्रियम कुछ भी नहीं होता है एक्चुअल में, जब आपका रिएक्टेंट एंड या फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस के रेट बराबर हो जाएंगे, ठीक, वो कंडीशन क्या है, इक्विलिब्रियम है। तीसरा देख लो, सॉलिड वेपर, मान लो आप कपूर जानते हो कि क्या होता है, वो डायरेक्ट सॉलिड से वेपर फॉर्म करता है, वो लिक्विड स्टेज नहीं आती उसमें। तो उसमें क्या होगा, जितना अगर वो क्लोजली आपने रखा है उसको, तो जितना कैम्फर सॉलिड से वेपर बन रहा होगा उतना ही वो वेपर से सॉलिड बनेगा, ठीक, जब रेट सेम हो जाएंगे। ऐसा हो रहा है, मान लो कई बार क्या होता है, रेट सेम नहीं होते हैं, कि ये ज्यादा बन रहा है वो कम बन रहा है, या अगर इसी को इसमें ले लेते कि अगर ये ओपन वेसल होती तो क्या होता है, यहाँ से इवेपोरेट वेपर जो है बाहर निकल जाता, ठीक। तो कितना भी आप टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखो, जब भाप तो आधी निकल गई, वेपर चला गया, तो अमाउंट सेम रहेगा ही, वो टाइम के साथ कम होता जाएगा, ठीक। तो इस तरह कंडीशन की जब रेट सेम हो जाए तब वो कंडीशन इक्विलिब्रियम होगी। सॉलिड सॉल्यूशन क्या होगा, मान लो आप एक लिमिटेड अमाउंट में वाटर लिया, मान लो 1 गिलास पानी लिया, उसमें आप चीनी घोड़ते जा रहे हो, घोड़ते जा रहे हो, कुछ समय बाद क्या होगा कि चीनी नहीं घुरेगी, मतलब एक सेचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक, और जितनी बाद में चीनी डालोगे वो नहीं घुरेगी। तो उस समय क्या होगा, वो जो होगा जो सॉल्यूशन आप बनाओगे, वो मिक्सचर जो बनाओगे वो इक्विलिब्रियम मिक्सचर होगा। मतलब क्या होगा उसका, कि जितना आपका जो पानी है उसमें चीनी डिजोल्व होती जा रही है, उतनी ही जो चीनी है वो बाद में निकल के नीचे सेटल होती जा रही है, ठीक। मतलब क्या होगा कि इस तरह से मान लो हमारा है, तो यहाँ पे पानी है तो यहाँ पे चीनी है, जो रेस्ट ऑफ द चीनी जो नहीं घुली है वो वहीं पे सेटल होती जाएगी, और जो घुलती जाएगी वो वापस वहीं सेटल होती जाएगी। तो इस तरह से दोनों का रेट जितनी घुल रही है उतनी ही वहां पे प्रेसिपिटेट बना रही है। तो इस तरह से दोनों के रेट जब सेम हो जाएंगे तो वो कंडीशन इक्विलिब्रियम हो जाएगी। गैस सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम क्या होगा, मान लो डिसोल्यूशन ऑफ गैस एंड लिक्विड अंडर प्रेशर इन क्लोज वेसल, मान लो हमारा कोई वेसल है, या एक एग्जांपल इसका बहुत अच्छा है कोका कोला का या पेप्सी जो भी आप पीते हो, तो जब वो बॉटल सील होती है तो हाई प्रेशर से सील होती है। मतलब क्या होता है कि उसमें जितना भी लिक्विड, जितना भी वो कोका कोले या पेप्सी भरी होती है, उसी के अंदर हाई प्रेशर जब अप्लाई करते हैं तो जितनी CO2 होती है उसे भी वो उसी के अंदर मिक्स हो जाती है, डिजोल्व हो जाती है, हाई प्रेशर से सील कर देते हैं। अब जैसे ही आप उसे खोलते हो वो प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, तो जितनी भी वो डिजोल्व CO2 होती है वो वापस से गैस फॉर्म में आती है, रिलीज हो जाती है, झाग निकलता है, ठीक। तो जब वो बॉटल सील होती है मतलब क्लोज्ड है, तो क्या होगा कि प्रेशर एक कॉन्स्टेंट प्रेशर बना रहता है, तो उतने में वो डिजोल्व रहती है। तो जितनी वो डिजोल्व होती जा रही है, जितनी वो गैस ऊपर बॉटल के थोड़ा स्पेस इसी रहता है कि जितनी वो गैस डिजोल्व होती जा रही है उतनी वहां से वो रिलीज हो रही है, ठीक, तो एक पर्टिकुलर प्रेशर पे। तो उस तरह में दोनों का रेट सेम हो जाता है, वो इक्विलिब्रियम में आ जाती है। तो ये तो हो गया फिजिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। अगर हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में बात करें, जो कि अभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बात की थी, आगे उसको और ब्रीफली पढ़ेंगे क्योंकि मेनली हमारे में केमिकल इक्विलिब्रियम से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं कि पहला है कॉन्स्टेंसी ऑफ ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज। उसका क्या मतलब है कि मान लो अभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट का आप लोग देख रहे थे, तो उस कंडीशन में अगर कोई टेम्परेचर अप्लाई कर रहे हो तो इट शुड बी कॉन्स्टेंट, वो कॉन्स्टेंट ही होना चाहिए, ठीक। अगर नहीं होगा तो फिर रेट चेंजेस होते जाएंगे। तो इन तरह की जो भी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज होते हैं कि टेम्परेचर प्रेशर, तो दैट शुड बी कॉन्स्टेंट, वो कॉन्स्टेंट होनी चाहिए। डायनेमिक नेचर, डायनेमिक नेचर का क्या मतलब है कि वो प्रोसेस रुकता नहीं है, वो स्टॉप नहीं होता है, वो चलता रहता है। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन जो होती है वो ऑलमोस्ट बराबर हो जाती है। मतलब कहने का है कि आप कोई भी आप ऑब्जर्व करोगे कि अरे प्रोसेस तो रुक गया, अब तो उसमें कुछ घूर नहीं रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, वो चीज वो प्रोसेस तब भी चल रहा है, लेकिन वो रेट सेम है, इसलिए जो दोनों का अमाउंट है वो आपको सेम प्रेजेंट होगा उस जगह पे। तो
ठीक, तो डायनेमिक नेचर होता है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन में सेम रेट हो जाएंगी, तो प्रोसेस चलता रहेगा, लेकिन ऑब्जर्व करोगे तो ऐसा लगेगा कि वो रुक गया है। इक्विलिब्रियम कैन नॉट बी अटेंड इन ओपन वेसल, ओपन वेसल में इक्विलिब्रियम नहीं अटेंड कर सकते। मान लो कई बार तो रिएक्शन आप करते हो तो उसमें काफी ज्यादा तो एनर्जी निकल जाती है, हीट के फॉर्म में निकल जाती है, तो अगर वो क्लोज वेसल हो गई या लिक्विड जो होता है वो वेपर बन के रिलीज हो जाता है, तो अगर ऐसा होगा तो वो जो वेपर बना वो रिलीज हो गया, वो कभी वापस तो आएगा नहीं, तो अगर वो क्लोज वेसल होगा तो वो कंडेंस होकर उसी में वापस आ जाएगा। दैट इज वाई इट शुड बी है ना क्लोज वेसल, ना कि ओपन वेसल। ये ओपन वेसल में कभी इक्विलिब्रियम नहीं अटेन कर सकते। इक्विलिब्रियम पॉइंट रिमेंस अनचेंज इन प्रेशर ऑफ वेसल, इन प्रेजेंस ऑफ वेसल। वेसल यहाँ पे था कैटलिस्ट, सॉरी यहाँ पे कैटलिस्ट होगा, मतलब आप कोई भी कैटलिस्ट डाल दो, कैटलिस्ट क्या होता है, रेट को चेंज करता है, लेकिन अगर रेट बढ़ा रहा है तो उतनी रेट से वो वापस भी ला रहा है। ठीक, तो इस तरह से क्या होगा, कोई भी कैटलिस्ट होगा तो इक्विलिब्रियम का वो पॉइंट होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक, रिवर्सिबल रिएक्शन, ये मेन पॉइंट है कि वो रिएक्शन जो भी आप ले रहे हो केमिकल प्रोसेस में, दैट शुड बी अ रिवर्सिबल रिएक्शन। अगर वो रिवर्सिबल नहीं है, इररिवर्सिबल रिएक्शन है, मान लो कोई चीज सॉलिड से लिक्विड बन रही है और वो कभी लिक्विड से वापस सॉलिड नहीं बनेगी, तो वो कभी इक्विलिब्रियम अटेन कर नहीं सकता। ठीक, वो सॉलिड से लिक्विड बन जाएगा, बात खत्म। अब वो लिक्विड से सॉलिड बना, इसका मतलब क्या है, हमारा सॉलिड का अमाउंट 0 हो गया, लिक्विड का अमाउंट 100% हो गया, वापस तो हुआ नहीं, दोनों का 50-50 तो हुआ ही नहीं, तो इस तरह कंडीशन में नहीं होता है, तो इट शुड बी अ रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक, तो अब हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन। ओके, सो अब हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन। वेल, लॉ ऑफ मास एक्शन दिया था गोल्डबर्ग ने एंड वेग ने 1864 में। लॉ ऑफ मास एक्शन बेसिकली क्वेश्चन सॉल्विंग क्यों जरूरी है, क्योंकि ये रेट ऑफ रिएक्शन मतलब रेट कांस्टेंट बताता है कि एक्चुअल में क्या होते हैं, रेट ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज बताता है। तो इसका क्या है, स्टेटमेंट क्या है, पहले वो पढ़ते हैं। एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेज ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज with each active mass raised to the power equal to the stoichiometric constant coefficient of that species in a chemical reaction। क्या मतलब है इसका, ये मतलब है कि मान लो हमारे पास एक रिएक्शन हो रही है इस तरह से ए प्लस बी बी, ठीक, ये हमारी रिएक्टिंग स्पीशीज है, इससे कोई प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक, तो अब इसमें क्या कहा गया है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन मान लो आर है, ठीक, रेट है, तो वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस। तो एक्टिव मासेस यहाँ पे हमारे ये हैं, ये हो गया इनका प्रोडक्ट। ठीक, अब यहाँ पे एक्टिव मासेस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक्टिव मास का मतलब मोलर कंसंट्रेशन से होता है। ठीक, ये चीज याद रखो, ये एक्टिव मास मतलब मोलर कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, ये रिएक्टेंट हो गया, इसकी स्पीशीज के प्रोडक्ट विद ईच एक्टिव मास रेज टू द पावर इक्वल टू द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ दैट स्पीशीज। अब इसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ये हैं, तो इसी का पावर लगा दो, तो ये हो गया हमारा रेट। इस स्टेटमेंट को अगर हम लोग लिखे तो इस तरह से होगा, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस विद ईच एक्टिव मास रेस टू द पावर इक्वल टू द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ दैट स्पीशीज। ठीक, अब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे, इक्वल दबाओगे तो एक कांस्टेंट लगता है, तो यहाँ पे रेट जो होगा वो बराबर होगा के ए पावर ए एंड बी के पावर बी। ठीक, तो यहाँ पे जो के आया ये हो गया है, इसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट। ठीक, ये हो गया रेट कांस्टेंट, तो ये चीज जो है ये आप याद रखो, आगे जो क्वेश्चंस आएंगे तो इस पे इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो। तो आर इक्वल्स टू के एक पावर ए बी की पावर बी, कोई भी रिएक्शन लिख के आएगा तो उसमें आप पावर उठाओ रखो सॉल्व करो। ठीक, अब अगर हम लोग बात करें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक बनता है, दैट इज लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अब इसमें क्या होता है कि मान लो हमारी एक रिएक्शन है कुछ इस तरह से, ए की पावर ए
प्लस बी की पावर बी एंड शुड बी लाइक दिस, सी की पावर सी एंड डी की पावर डी, इस तरह से है। ठीक, अब फॉरवर्ड रिएक्शन को अगर लिखें, फॉरवर्ड का रेट लिखें, जैसे आर वन मान लेते हैं, फॉरवर्ड का रेट लिख रहे हैं, तो क्या होगा, के वन इसको मान लेते हैं एंड इसका होगा ए की पावर ए एंड बी की पावर बी। ठीक, आर टू क्या होगा, जो बैकवर्ड रिवर्स रिएक्शन हो रही है उसका भी के टू मान लो ये। ठीक, सी की पावर सी एंड डी की पावर डी, इस तरह से कुछ होगा। ठीक, अब ये आर वन बाय आर टू अगर करें, या वैसे तो ये आर वन आर टू अगर इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम की बात करें तो आर वन आर टू सेम हो जाएंगे कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे। तो अगर ये दोनों सेम है तो क्या होगा, के वन ए की पावर ए बी की पावर बी इक्वल्स टू के टू सी की पावर सी एंड डी की पावर डी, इस तरह से कुछ होगा। ठीक, अगर के वन अपॉन के टू करें, यहां पे अगर हम लोग करें के वन अपॉन के टू तो क्या आएगा, के वन अपॉन के टू करें तो आएगा हमारा सी की पावर सी डी की पावर डी अपॉन ए की पावर ए बी की पावर बी। ठीक, अब ये के वन के टू को हम लोग कैपिटल के से लिख सकते हैं। अब ये कैपिटल के क्या होता है, ये कैपिटल के होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या हो सकती है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल्स टू रेशियो ऑफ द एक्टिव प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट इज रेज्ड टू द पावर इक्वल टू द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। मतलब क्या है, के क्या है, रेशियो है ना इसका, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का, एक्टिव मास प्रोडक्ट के एक्टिव मासेस का प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के एक्टिव मासेस का प्रोडक्ट का बराबर का रेशियो है। ठीक, तो ये हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इससे मेन तो क्वेश्चन इससे बनेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है। ठीक, तो अगर आपको इस तरह से कोई रिएक्शन आ रही है तो भी आप इस तरह से पूरा सॉल्व करो कि आर वन आर टू एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे तो ये रेट सेम होते हैं, तो जब रेट सेम हो गए तो आप निकाल सकते हो। ठीक, तो ये तो हो गया लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में बात करेंगे, डिफरेंट प्रेशर पे, तो उसके प्रेशर पे क्या यूनिट होगी एंड कंसंट्रेशन क्वेश्चन पे भी बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।